सर क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले आप? जी जनाब, मैं खुर्रम तौकीर हूँ जी, और पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया से मेरा ताल्लुक है, और बिहाइंड आप कह लें कि लाहौर पाकिस्तान से हमारा। यूएसए में कब से हैं सर आप? यूएसए में हूँ मैं पिछले 5 साल से जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए हुए हैं एक राजकीय अतिथि के तौर पे, अमेरिका में बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है, आपने सुना इस बात को? जी थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन एग्जैक्टली ज्यादा देख नहीं सका क्योंकि थोड़ा सा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिजी रहा हूँ मैं, लेकिन चलें बड़ी अच्छी बात है जी, अगर आए तो ऑफ कोर्स अपने इंडिया के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए आए होंगे, तो हम तो चाहते हैं कि मैं क्योंकि पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी उनकी को मुलाकात हो और पीस की तरफ मजीद जाए, क्योंकि पाकिस्तानी बेसिकली इंडियंस को बहुत लाइक करते हैं, स्पेशली उनके क्रिकेटर्स हो गए, उनके एक्टर्स हो गए, पाकिस्तान में इंडियन एक्टर्स बहुत ही मशहूर हैं और बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है उनकी। इसी तरह मैंने सुना है कि इंडिया में भी हमारे एक्टर्स को, क्रिकेटर्स को बहुत लाइक किया जाता है, तो मैं चाहता हूं कि आपस में जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहिए। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग कैसे देखते हो, या आप या अमेरिका में हो के या पाकिस्तान में किस नज़रिए से देखते हो, भारत के लिए जो कुछ करते हैं, जो कुछ काम वो करते हैं, जो पॉलिसीज़ उनकी है, आप लोग कैसे देखते हो उनको? क्योंकि जी मैं क्योंकि पिट्सबर्ग के ताल्लुक है मेरा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं पिट्सबर्ग में, और ज़्यादातर गुजरात से हैं, तो उनसे बातचीत होती है तो दे आर टॉकिंग वेरी हाई अबाउट हिम। हमारे लिए ज़रा बींग ए पाकिस्तानी, जब वो थोड़ा सा पॉजिटिव प्रोग्रेस होगी, पाकिस्तानियों के साथ रिलेशनशिप मजीद मजबूत होंगे, आना जाना ईजी होगा, वीज़ा पॉलिसी ईजी होगी, मैं समझता हूँ कि बिज़नेस भी होना चाहिए, ट्रेड भी होना चाहिए जैसे पहले हो रही थी, अभी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है वो उठनी चाहिए, मजीद बिज़नेस होना चाहिए, तो मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो ध्यान होगा आपको कि किस प्रकार से सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के वो पाकिस्तान गए थे। उनकी समस्या सिर्फ ये रहती है, जो कि भारत की समस्या ये रहती है, कि अगर आतंकवाद का प्रयोजन ना हो तो कोई ऐसा कारण नहीं कि दोनों देश हर मसले पे एक साथ बैठें, एक साथ किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकें। आपको लगता है कि हाँ वो एक कंसर्न है, उस कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद से ग्रस्त पाकिस्तान भी रहता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी जब पाकिस्तान में बच्चों पर हमले हुए थे। बिल्कुल जी, ऑफकोर्स जो आतंकवाद आपकी ज़ुबान में, हमारी ज़ुबान में दहशतगर्दी उसे कहते हैं, तो वो चाहे इंडिया की तरफ से कोई हो या पाकिस्तान की तरफ से, हम तो कंडक्ट करते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि पीस की तरफ हमें जाना चाहिए, और अगर कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है चाहे पाकिस्तान से या इंडिया से, तो ऑफकोर्स उसको सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ की ना। मैम आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो, क्या आप इनकी फैमिली से हो? जी मेरा नाम सिद्रा है और मेरे हस्बैंड है। अच्छा, तो जो बात ये कह रहे हैं आप उनसे सहमत हैं? जी हाँ बिल्कुल 100%। आपने सामने से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी सुना या देखा नहीं होगा लाजमी तौर पे, लेकिन न्यूज़ में देखा या सुना होगा, आप कैसे देखती हैं उन्हें? हाँ जी मैंने सुना है उनके बारे में, और देखा भी टीवी पे ही है उनको, तो बस ऐसे ही है कि हम लोग बस ये चाहते हैं कि जैसे कभी वो यहाँ पे आते हैं तो पाकिस्तान में भी आए और पाकिस्तानी वहाँ पे जाए, तो आपस में ये लोग रिलेशन इनका अच्छा हो। प्लीज प्लीज भाइयों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। जय हिंद भाइयों।